अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और ये मेरा दोस्त है शाहजेब खान भट्टी, हम दोनों जो हैं वाक के लिए आए हुए हैं, साथ में गपशप करते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। तो मैं अभी शान भाई के साथ मैं भी जा रहा था, तो इन्होंने कहा आए हम भी चलते, तो हम चिड़ियाघर वॉक करने आ गए हैं। तो अभी देखे हम वॉक पे जा रहे हैं। अभी ये मुझे बता रहे थे कि आप अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डालते, तो मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ फिर ट्यूशन चला जाता हूँ, तो टाइम नहीं होता। तो इन्होंने मुझे पहले भी, मैंने साल हो गया तकरीबन वीडियो नहीं पोस्ट की थी, तो इन्होंने मुझे फिर हौसला दिया, फिर मैंने दो तीन वीडियोस डाली, उसके बाद दोबारा वही हो गया, मैंने वीडियो नहीं डाली। यही सिस्टम रहता है। ये तो मैंने देखा है, काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं और वीडियोस को इनकी लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं ये, इसलिए फिर हम वॉक पे चल गए, उसी सिलसिले में बातें कर रहे थे। मैंने इसे रिकमेंड किया है कि आप जहाँ भी जाते हो ना, आप व्लॉग बनाया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो, वहाँ क्या आपकी सरगर्मियाँ रही हैं और किन दोस्तों से आप मिलते हो, वही तो मैंने खेलने जाते हो, क्या करते हो, ये सारा कुछ। तो इन्होंने मुझे क्या बताया शाहदेव आपने? मैंने ये बताया कि अब मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, वो स्कूल में जब एंटर हो तो वो एक उन्होंने स्कैनर से लगाए हुए, पहले उसमें से जाओ, फिर एक वो गार्ड्स है, रेंजर्स का गार्ड है, बस पता चल गया रेंजर पब्लिक स्कूल में पढ़ते तो उन्होंने वो स्कैनर सा पकड़ा होता है, वो स्कैनर सा ये सारी जगह करते हैं। मैंने कहा वो अगर सिटी स्कूल वगैरह होता है वहाँ पे ले जाते हैं मोबाइल, या हाँ अकेडमी हम लेके जा सकते हैं मोबाइल, तो वहाँ पे वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद क्लास में जाओ, फिर हमारी एक वाइस प्रिंसिपल, उनको सारा कुछ पता चल जाता है, और वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आती हैं जब सारा कुछ हो रहा होता है। वो आती हैं और कहती हैं ये बच्चे ने फ्लां किया, और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल है उसकी इतनी नहीं चलती जितनी वाइस प्रिंसिपल की चलती है। उसकी क्या वजह? वो शान भाई, वो समझ ले वो वहाँ पे उनका ऑफिस है और यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे इतनी दूर से वो सिर्फ बॉयज़ का नाम लेती हैं। अच्छा। और सारा जो मजमा है वो क्लासों की तरफ भाग रहा होता है। रीज़न? दहशत। वो जब से स्कूल बना है, और 2002 में स्कूल बना था, और उसी टाइम से वही प्रिंसिपल चल रहे हैं, उनको बेस्ट अवार्ड मिल रहे हैं, और 22 साल उनको प्रिंसिपल हो गया। सिफारिश वाला सीन तो नहीं है? नहीं, सिफारिश वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा। उनको वही ये कि पोजीशन होल्डर हैं, उनको जितने भी बच्चे आते हैं, मतलब जो टॉपर हैं, वो इन्हीं के रास्ते से घो के गए हैं, वो उनको बताते हैं। हाँ ये है कि मैम जो है उनको भी 20 साल हो गए, 2002 में आई थी वो, 20 साल हो गए, उनकी इतनी दहशत है कि आप सर के आने से भी क्लास में सन्नाटा हो जाता है, लेकिन जब मैम वो एक क्लास में आती हैं तो वो पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में हो जाता है। और हालांकि मैम एक औरत है, 10वीं क्लास के बच्चों को उठ के उनका ये तूने काम कैसे किया, उनको ऐसा ऐसा फेंटा लगाती है कि देखने वाला होता है। और हालांकि छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे, वो मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप से नहीं डरते होंगे, वो पीछे कह रहे होते हैं वही भागोए, मैंने बच्चा हम ग्राउंड में खेल रहे, एक बच्चा साहब कहता वो भागो 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 मैम मारी है मैम गुलास, बहुत गुस्से में भागो भागो, और वो छोटे 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 बच्चे ही इतनी स्पीड से भागे जाते, इतना उनका रोबो दबदबा है। ये वजह है।